अवैध रूप से रखे चौथ ठेले एवं मटन मीट की दुकानों पर नगर परिषद की कड़क कार्रवाई। 8 मटन मीट की दुकान व 12 चाट के ठेलों पर की कार्रवाई। कार्रवाई में नगर परिषद सीएमओ सहित पुलिस बल रहा मौजूद। खबर खनियाधाना से है, जहां पर आज खनियाधाना नगर परिषद ने बस स्टैंड पर अवैध रूप से लगे चाट ठेलों से फैलाने वाली गंदगी व दूषित पदार्थ एवं बस स्टैंड स्थित मटन मीट की दुकानें खुली थी, जो खुले में मांस बेच कर गंदगी फैला रहे थे, जिन पर नगर परिषद की गाइडलाइन का कोई भी दुकानदार पालन नहीं कर रहा था। उन पर नगर परिषद सीएमओ संतोष सोनी के सख्त निर्देश पर से नगर परिषद स्वच्छता प्रभारी राजीव यादव के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम के साथ आज कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि मोहन यादव सरकार जब बनी थी तो पहले ही स्पष्ट हो गया था कि किसी प्रकार की गंदगी खुले में मांस मछली नहीं बेच सकते हैं, और अगर कोई भी ऐसा करते पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नगर परिषद सीएमओ को बराबर शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के बाद नगर परिषद सीएमओ संतोष सोनी ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे और मांस मटन की दुकानें एवं चाट के ठेलों वालों ने नोटिस का पालन नहीं किया। इसी को लेकर आज नगर परिषद खनियाधाना ने पुलिस के साथ मिलकर उक्त 8 मांस मटन की दुकानों को सील किया गया एवं 12 चाट के ठेलों पर चलानी कार्रवाई की है। बस स्टैंड पर दुकानदारों गंदगी फैलाने पर हिदायत भी दी है कि कोई भी खुले में मांस चिकन मटन विक्रय नहीं करता पाएगा। चाट ठेलों पर विशेष साफ सफाई का ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने पर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त नगर में परिषद सीएमओ संतोष सोनी, स्वच्छता प्रभारी राजीव यादव एवं नगर परिषद की टीम और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या हुआ वहाँ, शिकायत प्राप्त हुई कि मीर मार्केट मस्जिद के पास में कुछ लोग माने पर्दा वगैरह ढक के नहीं रख रहे हैं, मीर मार्केट खुला हुआ है, तो उस समय शिकायत प्राप्त हुई तो हाल के लोगों को नोटिस जारी किए गए और नोटिस जारी करने के बाद आज दुकानों को 8 दुकानों को सील किया गया है। और आज मार्केट में ठेला वालों पे भी चालानी कार्रवाई, क्या कार्रवाई? मार्केट में ठेला वाले थे जो नाश्ते वाले वाले हैं, अवैध रूप माने कचरा फैला रहे थे, उन पर चालानी कार्रवाई 12 दुकानों पर की गई। कितनी दुकानों पर कार्रवाई? 12 दुकानों पर कार्रवाई। आपकी हाँ विधिवत अब तो पर डे ही इसकी कार्रवाई की जाएगी।